तैने फसल बोई थी, तू आज उसे काट रहा है। इसमें रुदन किस चीज का, बिलाप किस चीज का? इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है? और जब जीवन दिशाहीन होने लगता है तो वहां फिर एक कंपास की जरूरत होती है कि जीवन को नई दिशा मिल सके, एक डायरेक्शन में जीवन चले। और उस कंपास का नाम गुरु है, जो आपको दिशा दे देता है। कई बार तो गुरु की सन्निधि में रह के हमारे मन में भटकाव आ जाता है कि मैं तो गुरु की इतनी सेवा कर रहा हूं, इतना प्रेम उन्हें करता हूं, लेकिन गुरुदेव मुझ पर रीझ नहीं रहे हैं, मुझ पर प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। अरे कोई बात नहीं है, आप पे नहीं रीझ रहे, कल रीझेंगे। आपको वो एक अवसर दे रहे हैं अपनी प्रार्थनाएं करने का, अपना जप तप करने का। आपको कोई जिम्मेदारी नहीं दी है, आपको स्वतंत्र रख छोड़ा है कि तू अपने जीवन को पहले अपने ढंग से चला। तो जीवन जब दिशाहीन होने लगता है तो एक कंपास की जरूरत होती है, और वो कंपास गुरु है। कभी जीवन के पथ का रोड़ा देखिएगा कि हमारे जीवन के रोड़ा कौन है जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। वो पतंगा रूप में आसक्त होकर, पतंगा जिसे रूप नहीं सुहाता कोई, लेकिन रूप में आसक्त होकर दीपक की लौ में अपनी जान दे देता है। ऐसा उसे आकर्षण होता है रूप का, उस लौ का, कि उस लौ में अपने प्राण दे देता है। वो भ्रमर जिसके वो पहने तीखे दांत, जो किसी भी चीज को कुतर देता है, मोटे सह तीर को जो कुतर देता है, जो मोटे कास्ट का भंजन कर देता है, हड्डी में से पार निकल जाता है कुतर के, जो बड़े वृक्ष को कुतरता हुआ अपने पहने नुकीले दांतों से पार निकल जाता है, वो भ्रमर जिसके इतने नुकीले पहने दांत, लेकिन गंध आसक्ति, गंध के वशीभूत होके कमल दंडों में कुछ ऐसी उसे महकनीय, ऐसी कुछ सौंधी सौंधी सुगंध आती है कि उसमें आसक्त हो जाता है। कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं, लेकिन उसकी गंध को वो बैठा बैठा सूंघता रहता है। और वहीं कहीं कमल की पत्तियों के बंद होने में, कमल दनों में उसके प्राण घुट जाते हैं, मर जाता है। वो मछली जो किसी के हाथ नहीं आती, पानी में बड़ी तेज दौड़ती है, लेकिन अपनी जिब्या के स्वाद के लिए किसी कांटे में फंस जाती है। कोई आसक्ति आपको गुलाम बना के तो नहीं बैठी? वो हिरण सावक कुलाचे मारता, वो हिरण जो किसी के हाथ नहीं आता है, जंगल में देखो तो एक क्षण में यहां और एक क्षण में वहां, वो उछलता है, कूदता, फांदता, वो सुंदर सा मृग, लेकिन शब्द की आसक्ति में वो बहुत दूर तक भागता है, बहुत दूर तक, कई बार प्राण दे देता है। वो हाथी जिससे बलशाली कोई भी नहीं है, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन स्पर्श की चाह में कोई शिकारी उसके लिए गड्ढा बना देता है जंगल में, और वहां लकड़ी की एक हथिनी खड़ी कर देता है, तो वो उसकी चाह में उस गड्ढे में फंस जाता है। तो आपकी आसक्तियां आपको कहीं प्रमादी बनाकर, कहीं आपको कमजोर तो नहीं कर दिया है? कहीं जीवन ऐसे ही चूल्हे की लकड़ी बना हुआ तो नहीं जा रहा है, जिसे कल उठा के नाली में बहा दिया जाएगा, कल जब लकड़ी जल जाएगी तो कहीं घूरे पे डाल देंगे? जैसे चूल्हे की लकड़ी होती है, और चूल्हे में जैसे ही भोजन बना, उसके बाद उसे राख को लेके बाहर फेंक दिया गया। तो अपने जीवन की कुछ उपयोगिता तो बने। जड़ भरत बहुत ज्ञानी है, ऋषभ देव के पुत्र हैं, ऋषभदेव क्षत्रिय हैं, लेकिन उनके 81 पुत्र ब्राह्मण कहलाए अपने कर्म के कारण, जिन्होंने जैन धर्म की नींव रखी। चक्रवर्ती सम्राट ऋषभदेव सबको छोड़ के चले गए कि अब मैं तप करूंगा, और जब उनके पुत्र भरत राजगद्दी पे बैठे तो एक दिन वो भी सभी को छोड़ के चले गए, और गंडकी नदी के किनारे वो तप करने लगे। हिरण सावक में उनके प्राण अटक गए, आसक्ति हो गई, मोह हो गया। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास,
सब राजपाट त्याग के आए थे, लेकिन वहां जब नदी किनारे पहुंचे तो एक छोटे से हिरण शावक में उनकी आसक्ति हो गई। और अब उस हिरण शावक को देखते रहते हैं, जब देखते हैं जब तक अपनी जगह रह गया, हाँ अब हिरण शावक ने कुछ खाया है कि नहीं खाया है, और वो अपनी माला देख रहे हैं तो हिरण शावक मेरी तरफ देख रहा है, मैं उसकी तरफ देख रहा हूं, और अब ये सो रहा है कि नहीं सो रहा है, इसके लिए कुछ खाद्य की व्यवस्था कर दूं, इसे कुछ ठंड तो नहीं लग रही है। एक चक्रवर्ती सम्राट जो पूरी धरती का राजा है, वो एक छोटे से हिरण शावक की आसक्ति में फंस गया। आप पूरी सृष्टि के स्वामी हैं, ईश्वर ने आपको इतना बड़ा बना के भेजा है, आप यदि ठान लें तो इस पूरी धरती को आप अकेले निर्देशित कर सकते हैं। आपको जानना पड़ेगा कि आप किस लिए आए हैं। आपके आने का कारण जिस दिन आपको पता चल गया, जीने का रंग बदल जाएगा, ढंग बदल जाएगा, व्यवहार बदल जाएगा। जब तक कि आपने आईना भर नहीं देखा है, बस उस क्षण की देर है, उस पल की देर है कि गंभीर चोट हो और वो समझ में आए। उस हिरण शावक में आसक्ति, अंते सह मति सह गति, जैसी मति लेके वो गए, अगले जीवन में वो वही बने। देखो, आप पूरी धरती को तृप्त नहीं कर सकते। कोई आपसे जो अपेक्षा रखे, जरूरी नहीं है कि वो अपेक्षा को आप पूरा कर दो। अरे धरती की छोड़ो, घर परिवार के लोगों की अपेक्षाएं भी आप पूरी नहीं कर सकते। वो आपसे जो उम्मीद लेके बैठे हैं, आप उन्हें नहीं पूरा कर सकते। पूरा जीवन दे दे तो भी पूरा नहीं कर सकते। और आप जिसे अपना बनाना चाहते हैं, आप जिसे अपना बनाना चाहते हैं, वो आपसे दूर भागता है। केवल एक है, आप जिसकी तरफ भागते हैं तो वो आपकी तरफ भागता है। और वो है कृष्ण। मोहन नंद किशोर बनवारी, आप उसकी तरफ भागो तो वो भी आपकी तरफ दौड़ लगाएगा, दोनों हाथ ऐसे करके। और अकेला वो है, यदि उसे आपने तृप्त कर दिया तो फिर दूसरों को तृप्त करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी आपको। कृष्ण जब तक अर्जुन को अपना प्रिय संबंधी मान रहे थे, और ऐसा ही अर्जुन उन्हें मान रहा था, कृष्ण ने तो कभी उसे पता नहीं चलने दिया। जैसा भाव उसने रखा वैसा भगवान ने भी उसे प्रेम किया, लेकिन जब तक अर्जुन उसे अपना सखा, ग्वाला, नंद किशोर मान बैठा था, अपना संबंधी मान बैठा था, अपना मित्र मान बैठा था, उसे कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन जब अर्जुन ने कृष्ण में गुरु देखे तो उसे गीता मिली।